सेकेंड थिंग इज डैट ना कि मैं ये पोल्ट्री वाला जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो अब लगेगा कुछ छूट गया है। अभी तक तो हमने पोल्ट्री का लिया नहीं है क्लास आपका। और सबसे इम्पोर्टेंट एकदम जनरल स्टेटमेंट है फॉर यूजी स्टूडेंट भी और जो जे आर एफ एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी कि एमिलॉइड से क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हो गए इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। मैं देख रहा हूँ कि एमिलॉइड का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो गया और मुझे ये पता है कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है रिगार्डिंग एमिलॉइड। और ये आपने शेयर भी किया था हम लोगों से लेकिन उसका क्लास नहीं हो पाया है। तो मैं देखूंगा अगर संभव हो तो कल मैं एमिलॉइड से रिलेटेड, मैं वैसे भी आपको बार बार ये मैसेज करता हूँ कि जो भी डाउट्स हैं जो भी प्रॉब्लम है अब लास्ट ही है इसलिए उसको कर लीजिए पूछ लीजिए, थोड़ा टाइम रहता है आपके पास। मैं देख रहा हूँ वीकली शेड्यूल में दो तीन क्लास तो आपका ऐसे ही खाली रहता है तो उसको हम लोग ऐसे अरेंज कर लेंगे। सो मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि ऐसा कोई भी टाइम जहाँ पे फ्री है उसको यूज कर लो, हमें मैसेज कर दो कि हम फ्री हैं सर इस टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं तो उसको हम लोग डील कर लेंगे। रिगार्डिंग सेल इंजरी बड़ा इंपॉर्टेंट था आपका डिस्कशन के लिए तो मुझे लगता है बड़े छोटे में जो हमने डिस्कशन किया उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर भी कुछ डाउट है तो उसको देख लेना। एक और भी क्वेरीज था रिलेटेड टू आप में से कोई कह रहे थे इन्फ्लेमेशन में वैस्कुलर चेंजेस कौन थे वो आज ज्वाइन किए हैं क्या जो ये क्वेश्चन राइज किए लास्ट टाइम वैस्कुलर चेंजेस? इसको थोड़ा ऐसा रिमाइंड कराते रहेंगे ना तो हमें लगेगा कि आपका थोड़ा इंटरेस्ट है तो हम लोग उस पर क्लास लेंगे। और आज जैसे जे आर एफ वाले जुटने से पहले हमारे पास था टाइम 5-10 मिनट टाइम था तो आप अगर टाइम से ज्वाइन किए होते तो मुझे लगता है 5 मिनट का ही टॉपिक है वैस्कुलर चेंज, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं। आज ही मैं देखूंगा। मेरी आवाज जा रही है ना आपको? हेलो हेलो सर आ रही है सर, आ रही आवाज आ रही है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा टावर का प्रॉब्लम है इसीलिए पूछ ले रहा हूँ। तो देखो ये वैस्कुलर चेंजेस है बहुत इंपॉर्टेंट मगर बहुत ही छोटा है ये विद इन 5 मिनट्स। जैसे वो सेल इंजरी आपके लिए बड़ा हवा से बना हुआ था सेल इंजरी से इंजरी, मुझे लगता है ड्यूरिंग डाउट क्लास हमने विद इन 5 मिनट्स कंसेप्ट क्लियर कर दिए थे और मैंने वीडियो आपको भेज भी दिया था कि आप उसको देख लो सुन लो तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहेगा रिलेटेड टू सेल इंजरी। उसी तरीके से विद इन 5 मिनट्स वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वैस्कुलर चेंजेस। बस ये है कि हमें ये लगना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट है, आप वाकई इसमें इंटरेस्टेड है, आप जानना चाहते हैं तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली डील कर लेंगे। और मैंने आपसे ये कहा भी था कि किसी ने पूछा था मेरे से व्हाट्सएप में सर पोल्ट्री डिजी में बहुत सारे ऐसे हैं प्रॉब्लम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं तो उसमें मैंने कहा था लोगों से एक दिन हम लोग उसको ऑन ए होल पूरी पोल्ट्री डिजीज को डिस्कस करेंगे एज ए रिविजन, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियरिंग और एकदम डिटेल तो इट विल नॉट ए पॉसिबल बट एटलीस्ट रिवाइज कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसीलिए मैंने आज आपको जोड़ लिया कि विथ जे आर एफ ये चीज़ आप देख लीजिए समझ लीजिए और ये आपको हेल्प करेगा नो डाउट इन योर ऑब्जेक्टिव, है ना। बहुत कंसेप्ट तो नहीं बनेगा नेचुरली विथ जे आर एफ में, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं करते हैं हम लोग, बस रिवाइज करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव निसंदेह आपको बेनिफिट होने जा रहा है, ठीक है, यूजी में भी कॉम्पिटेटिव क्लासेस में भी। और एक जो मैंने एक कंप्लीट सेट डाला हुआ है आपका जनरल पैथोलॉजी से रिलेटेड, आप उसको बार बार देखिए, उसको बार बार देखिए, कुछ छूटना नहीं है, ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं छूटेंगे। हाउएवर वी सेड स्टार्ट टू द क्लास, तो बेसिकली ये क्लास है ए रिविजन फॉर पोल्ट्री डिजीज प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द जे आर एफ कोचिंग। सो आई सेड स्टार्ट एंड शेयर स्क्रीन नाउ। So, some of the important diseases you know at this time, सब अवेयर हैं, सब पढ़ चुके हैं आप, ठीक से पढ़े हो, जल्दी में पढ़े हो, जैसे ही पढ़े हो, but you are aware at least most of the diseases of the poultry. So, just a revision. So, to start with, it is first of all Newcastle disease. इसको हम लोग रानीखेत disease ही बोलते हैं, you know, very important, रानीखेत disease. So how will you define it? It is an acute, highly contagious, rapidly spreading viral disease. So इसकी सबसे importance क्या है? It is highly contagious and a very acute condition. So इसलिए इसको इसमें mass mortality देखे जाते हैं और यही इसका economic importance भी है और इसीलिए इसको बड़ा detail में आपको जानने भी चाहिए। Regarding objective point of view, आप याद रखो first outbreak was recorded in 1926 in Java, Indonesia.
and 1 year after, in 1927, in Newcastle, England, by Dwiles. So Dwiles वो scientist थे जिन्होंने इस disease को popular किया, highlight किया. First of all, it was recorded in Newcastle, therefore it is called as Newcastle disease. उसी साल में, at the same year in India, at Ranikhet, UP in Kumaon Hills, जो अभी उत्तरांचल में है, by Edward, in the same year 1927, he recorded the same disease. और फिर इंडिया में, इंडिया के हिसाब से उसका नाम हम लोगों ने रानीखेत डिजीज रखा था, अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन. सबसे पहला जो केस रिपोर्ट हुआ था इंडिया में, रानीखेत में हुआ था. अकॉर्डिंगली दोनों ही नेम कॉमन है, न्यूकासल डिजीज भी इतना इंपॉर्टेंट है, रानीखेत डिजीज भी इतना इंपॉर्टेंट है. सो दिस टू नेम्स आर सिनोनिम एंड इट इज कॉज्ड बाय पैरामीजो वायरस. ये आप जानते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये वाला हिस्सा है. If you remember, इसके different strains होते हैं. Velogenic, that is highly virulent. Mesogenic, that is moderately virulent. Lentogenic, that is mildly virulent. Even asymptomatic form भी होते हैं इसके. तो आपको याद ये रखना है कि velogenic form है, mesogenic form है, lentogenic form है. And velogenic is highly virulent, mesogenic is moderately virulent, and lentogenic is mildly virulent. इसके अलावा जिसको पैथोटाइप्स है, यानी मैनिफेस्टेशन जो होता है बॉडी में, पोल्ट्री के बॉडी में, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गन इफेक्टेड एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेन कॉजिंग दैट चेंज इन द ऑर्गन. से फॉर एग्जांपल, इट कैन बी विसोट्रोपिक कॉज्ड बाय वेलोजेनिक स्ट्रेन. नाम से ही लग रहा है कि हाईली वायरुलेंट स्ट्रेन वेलोजेनिक है एंड इट इज बेसिकली अफेक्टिंग द विसल पार्ट्स. ऐसे फॉर्म को हम लोग बोलते हैं ड्वाइल्स फॉर्म. फॉर्म है रानीखेत डिजीज में, वो डिफरेंट फॉर्म्स है. ड्वाइल्स फॉर्म्स है, बीज फॉर्म्स है, ब्यूडेट फॉर्म्स है, इवन एसिम्प्टोमेटिक फॉर्म है. तो एटलीस्ट थ्री नेम आपको याद रखना है, ड्वाइल्स फॉर्म, बीज फॉर्म, ब्यूडेट फॉर्म. बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. सो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मास मोर्टिलिटी कॉज करने वाला है वेलोजेनिक स्ट्रेन से होने वाला विसोट्रोपिक. इसमें बेसिकली लंग्स और नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, प्लस इंटेस्टाइनल फॉर्म. इंटेस्टाइन, लंग्स और ब्रेन इसमें इन्वॉल्व हो जाता है. ब्रेन लेस इन्वॉल्वमेंट है. न्यूमोट्रॉपिक एंड इंट्रोट्रॉपिक ज्यादा है इस केस में. इसको हम बोलते हैं ड्वाइल्स फॉर्म. नेक्स्ट इट इज बीज फॉर्म. बीज फॉर्म में बेसिकली नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है. और ये दोनों ही हाई मोर्टिलिटी कॉजिंग पैथोटाइप्स है. ओवरऑल फाइव पैथोटाइप्स है, जिसमें सबसे पहला और ये दूसरा लीड्स टू हाई मोर्टिलिटी. नेक्स्ट इज मेसोजेनिक फॉर्म. ठीक है, मेसोजेनिक फॉर्म. मेसोजेनिक में इन कंपेरिजन टू वेलोजेनिक मोर्टिलिटी रेट कम है, और इसमें ज़्यादातर केसेस में आप देखोगे चेंजेस इज फाउंड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इट इज बेसिकली न्यूमोट्रॉपिक, बट इट कैन ऑल्सो एंगेज द नर्वस सिस्टम. और इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं ब्यूडेट्स फॉर्म. ओके, एंड नेक्स्ट इज लेंटोजेनिक. लेंटोजेनिक कॉजेज माइल्ड फॉर्म, बेसिकली इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो लेंटोजेनिक को आप भूल जाएं तब भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर ड्वाइल्स फॉर्म, बीज फॉर्म, ब्यूडेट फॉर्म. एंड लास्ट इज द एसिम्प्टोमेटिक फॉर्म, जहाँ पे वायरस परसिस्ट करता है फ्लॉक में, मगर कोई सिम्टम नहीं दिखाता, तो उसको लोग बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक फॉर्म. मैंने इस स्लाइड में रिगार्डिंग पैथोजेनेसिस डील नहीं किया, तो यूजली ऑब्जेक्टिव से उसका लेना देना नहीं है. लेकिन फिर भी मैं अगर आपसे पूछूं कि समबडी कैन हाईलाइट द पैथोजेनेसिस ऑफ रानीखेत डिजीज, तो कोई हो जो थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो विद इन टू थ्री लाइंस, कुछ बता सकते हैं रिगार्डिंग पैथोजेनेसिस ऑफ रानीखेत डिजीज, ये कैसे हो जाता है विसोट्रोपिक, कैसे हो जाते हैं न्यूरोट्रॉपिक, वेलोजेनिक क्यों है वेलोजेनिक, मेसोजेनिक क्यों है मेसोजेनिक, इस तरह का कुछ कंसेप्ट है आपके पास, कोई बताएंगे? Anybody? नहीं है क्या आपके पास ये कंसेप्ट? तो खैर, इसको अगर आपने बर्ड फ्लू पढ़ा हो डिटेल से या फिर रानीखेत पढ़ा हो डिटेल से, तो दोनों एक को आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए दोनों को ही पढ़ लिया. ठीक है, बस दोनों में अंतर है उसके जो सरफेस प्रोटीन है, जो एच स्पाइक्स है और जो एन स्पाइक्स है, हीमोग्लोबिन और जो मिंडेज स्पाइक्स है, उसका बेसिक डिफरेंस है. लेकिन पैथोजेनेसिस दोनों पे ही सिमिलर है. ये इनका बेसिक काम है जो हाईली जो बहुत जगह पे इफेक्ट नहीं करेगा, जिसका लिमिटेड इफेक्ट है. वो लिमिटेड इफेक्ट इसलिए होते हैं कि वहीं पे एक्ट कर पाते हैं प्रोटीन में जहाँ पे ट्रिप्सिन,
जहाँ पे ट्रिप्सिन एमिनो एसिड है वहीं पे से भी एक्ट कर पड़ता है ट्रिप्सिन प्रोटीन वाले। इसका मतलब यह है कि जो ऑर्गेन ट्रिप्सिन तोड़ने वाले एंजाइम से रिलीज कर पा रहे हैं वहीं पे वो काम करेगा, ठीक है। जो फ्यूजन प्रोटीन आफ्टर एफ प्रोटीन फॉर्मेशन, उसके बाद उसका क्लीवेज होना जरूरी होता है उसका वायलेंट फॉर्मेशन के लिए, वायलेंट बन पाए इसके लिए एफ प्रोटीन का, उसके बाद उसका ब्रेक होना जरूरी है। तो अगर आप ये कहो कि ये सिर्फ ट्रिप्सिन तोड़ने वाले जगह पे होगा तो कहाँ पे इफेक्ट करेगा, जहाँ पे ट्रिप्सिन तोड़ने वाले एंजाइम्स होंगे तो लिमिटेड इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप ये कहे कि वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स जहाँ पे तोड़ने का क्षमता है वहाँ पे भी इफेक्ट कर सकता है, तो नेचुरली वाइड स्प्रेड इसका सिम्टम होंगे। तो एक बेसिक कंसेप्ट है कि कोई कैसे विसोट्रॉपिक हो सकता है, कोई कैसे निमोट्रॉपिक हो सकता है, कोई कैसे इंट्रोट्रॉपिक हो सकता है, तो उसको हम बड़ा डिटेल में डील करेंगे किसी समय, अभी तो बेसिकली फॉर जीआरएफ पर्पस। एंड अनदर थिंग इज दैट इट इज आल्सो जेनेटिक, मगर इन ह्यूमन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अदर देन पराइजा और कंजक्टिवाइटिस टाइप सिम्टम आते हैं, ब्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, उससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड थिंग इज वायरस कैन ऑल्सो भी प्रेजेंट इन एग्स, इसका मतलब वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है, इन केस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज एक ट्रांसमिशन हो सकता है इन केस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। रिगार्डिंग ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस पैथोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट ये जितने भी पॉइंट्स है एकदम इंपॉर्टेंट है, वाइड स्प्रेड हेमरेजेज इन द इंटेस्टाइन। जैसे आप इंटेस्टाइन को खोलेंगे ना तो इवन ऑन द सेरोसल सर्फेस आपको नजर आएगा कि डिफरेंट एरियाज ऑफ इंटेस्टाइन में प्रोफ्यूज हेमरेजेस है, बड़े बड़े हेमरेजेज एकदम स्पष्ट दिखता है फ्रॉम सेरोसल सर्फेस से भी। खोलेंगे तो म्यूकसल सर्फेस को नेचुरली बहुत क्लियर कट होगा, लेकिन इवन यू कैन सी द बिग हेमरेजेस एट डिफरेंट लोकेशन इन द इंटेस्टाइन। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमेशा आता रहा है, पूछा भी जाएगा आपसे, पिटेकियल हेमरेज यानी पिन पॉइंट हेमरेज ओवर द प्रोवेंटिकुलर टिप ग्लैंड, प्रोवेंटिकुलर्स के ग्लैंडुलर टिप पे, बस टिप के अलावा इधर उधर नहीं मिलेगा, टिप के टिप पे ही मिलेगा। तो जब इस तरह के हेमरेज होते हैं तो डेट इज इन केस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज प्रोवेंटिकुलर हेमरेज, प्रोवेंटिकुलर्स के हेमरेज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उसके टाइप्स को देख के ही हम डिजीज को पता कर लेते हैं। तो इसमें याद रखिएगा क्रॉनिक किडनी डिजीज में ग्लैंडुलर टिप्स में ही हेमरेज होते हैं, ठीक है। स्पायरोकिटोसिस में कहाँ होगा, इन बिटवीन द ग्लैंडुलर टिप्स और लीनियर हेमरेजेस होंगे। बर्ड फ्लू में कहाँ पे होगा, सिरोसल हेमरेजेस होंगे। तो इस तरह से पता हो जाता है, टेंटेटिव आइडिया हो जाता है। एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन सीकल टॉन्सिल्स, जहाँ पे सीका शुरू ही होता है, ये सीकल डाइवर्टिकुलम जहाँ से शुरू होता है ठीक वहीं पर पाया जाता है सीकल टॉन्सिल्स। तो आप सीकल टॉन्सिल्स को इवन सिरोसल सर्फेस से भी देखोगे, सिरोसल साइड से भी, तब भी आपको दिखेगा इट इज हाईली इनलार्ज्ड एंड इट अपीयर ग्रेस ब्राउनिश टाइप का, एंड व्हेन यू विल ओपन इट यू कैन सी द नेक्रोसिस इन द सिकल टॉन्सिल्स। इन इंटेस्टाइन देयर इज आल्सो नेक्रोसिस एंड हेमरेज इन द लिम्फोइड एग्रीगेट्स, एकदम क्लियर कट दिखता है, ठीक है। इन स्प्लीन यू कैन सी नेक्रोसिस प्लस इन स्पाइटिक ट्रैक्ट, इसमें क्या होगा, कंजेशन होगा और म्यूकस डिजनरेशन होगा। In ovary, you can see hemorrhagic stigmata and ovarian follicle will appear flaccid. Regarding diagnosis, कुछ important points हैं। Heme agglutinin inhibition test ये important है, ठीक है, क्यों important है मैं बताऊँगा, तो ये याद रखिएगा। Heme agglutination inhibition test plus radial immunodiffusion test, agar gel precipitation test, ये कुछ important test है। इसके अलावा जो इसके स्ट्रेन के नेम होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो वैक्सीन के लिए यूज कर रहे हैं बेसिकली लेंटोजेनिक जो फॉर्म होगा, जो माइल्ड नेचर के जो स्ट्रेन होगा उसको यूज करेंगे। तो कौन से स्ट्रेन है, B1 लासोटा स्ट्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, लेंटोजेनिक स्ट्रेन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है। B1 लासोटा इज लेंटोजेनिक स्ट्रेन, उसी तरीके से R2B है मेसोजेनिक स्ट्रेन, जो मुझे एक याद आ रहा है, डेट इज R2B is mesogenic strain or lentogenic strain is important, B1 and Lassota. और lentogenic strain को ही vaccines के लिए use करते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, और बड़ा natural भी है। ये diagram को देखो तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। In the preventiculus, you can see the pinpoint hemorrhages over the preventicular gland. Very important point, ठीक है। फिर इसको देखिए आप, intestine में ulcers, necrotic ulcers in the intestine, ये बहुत common है, मिलेंगे आपको, ठीक है। इट इज ट्रैकिया स्वयं कैटरल मतलब म्यूकस एग्जिडेट्स एंड फ्लाइट कंजेशन।
प्लस ये इसका न्यूरोट्रॉपिक फॉर्म में आप देख सकते हो, पैरालिसिस है, पैरालिसिस ऑफ द लेग्स है, विंग्स है, इवन टॉर्टिकोलिस है, नेक का ट्विस्टिंग है. तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स इन केस ऑफ क्रॉनिक डिजीज. प्लस साइनोसिस ऑफ फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनोसिस ऑफ फॉर्म भी हो जाता है. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन, डिपेंडिंग ऑन द पैथोटाइप्स, आपको इसके चेंजेस देखेंगे. तो इट वॉज इन अ वेरी कंसाइज डिस्कशन अबाउट द क्रॉनिक डिजीज. नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज. तो इसके सिनोनिम्स है गंभीर डिजीज, इन्फेक्शियस बर्साइटिस, एवियन नेफ्रोसिस. इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज टर्म आया था 1972 में, और उससे पहले एवियन नेफ्रोसिस बोलते थे इसको, ईयर 1962. इट इज ऑल्सो हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन. आपको मालूम है मगर इससे मॉर्टलिटी यूजली एज सच नहीं होता, एटलीस्ट सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होता, मॉर्टलिटी नहीं होती. हाईली कंटेजियस है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज ड्यू टू वीरना वायरस. तो नाम से ही लग रहा है बाई आर एन ए, डबल स्टैंडर्ड आर एन ए वायरस है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट द प्राइमरी टारगेट सेल फॉर इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज इज बी लिम्फोसाइट. ठीक है, बी लिम्फोसाइट वर्षा का भी और सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स का भी. तो सिर्फ वर्षा का बी लिम्फोसाइट्स को ये टारगेट नहीं करता, सर्कुलेटिंग बी लिम्फोसाइट्स को भी टारगेट करता है. तो नाम से ही लग रहा है इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज. मेन जो ऑर्गन है जिसको टारगेट करता है वर्षा ही है. और इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन गंभोरो, दैट इज दिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूएसए. और आपको याद हो कि इसकी जो इन्फेक्शन है पोल्ट्री में, उसको हम लोग दो स्टेज में बांट के पढ़ लेते हैं. जो 3 से 6 वीक्स वाला एज है, इसमें हाई मॉर्टिलिटी है अलॉन्ग विद द सेकेंडरी इन्फेक्शन. और 3 वीक्स से जो पहले होता है उसमें चिक्स में इम्यूनो सप्रेशन हो जाता है, मॉर्टिलिटी नहीं होता. ठीक है, बहुत अर्ली एज में नहीं हो सकता, बहुत लेट स्टेज में आईबीडी नहीं हो सकता. बहुत अर्ली स्टेज में इसलिए नहीं हो पाता है कि मैटरनल डिराइव्ड एंटीबॉडी होता है चिक्स में. अब बहुत लेट स्टेज में इसलिए नहीं हो पाता है कि वर्षा जरूरी है इसका मल्टीप्लीकेशन के लिए. तो लेट स्टेज में वर्षा एट्रोफी हो जाता है. तो ड्यू टू एट्रोफी ऑफ द वर्षा लेटर स्टेज में भी केसेस नहीं दिखेंगे, और बहुत अर्ली स्टेज में भी नहीं दिखेंगे. सेकेंड थिंग, जो इन्फेक्स आईबीडी वायरस जो है, इसके दो सीरोटाइप्स है, 1 और 2. याद रखिएगा टाइप 1 ही रिस्पॉन्सिबल है डिजीज के लिए, टाइप 2 इज नॉन पैथोजेनिक, इट डू नॉट कॉज एनी डिजीज, इट इज नॉन पैथोजेनिक. नॉन, इससे कोई इम्यूनो सप्रेशन भी नहीं होता, इससे कोई डिजीज भी नहीं होता. मगर सीरोटाइप 1 डिजीज भी कॉज करते हैं और इम्यूनो सप्रेशन भी कॉज करते हैं. नेचुरली जब वर्षा डैमेज होगा तो इम्यूनो सप्रेशन हो जाएगा. ठीक है, मगर टाइप 1 टाइप 2 कैन इन्फेक्ट टर्कीज एंड डक्स, डिजीज नहीं होते, इन्फेक्ट होंगे, एसिम्प्टोमेटिक फॉर्म में होंगे, कोई डिजीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे. आईवीडी में कोई वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं होता. फिर मैंने आपको बताया कि यंग चिक्स के पास मैटरनल डिराइव्ड एंटीबॉडीज होते हैं, इसलिए वो इम्यून होते हैं. ओल्डर बर्ड्स ड्यू टू रिग्रेशन ऑफ द वर्षा, वो भी रेसिस्टेंस हो जाते हैं इस डिजीज से. टारगेट सेल है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट इसका टारगेट नहीं है. एस्टिमुलेशन होता है नो डाउट, मगर टारगेट सेल उसका लाइसिस नहीं करते हैं. और अब जैसे जैसे इसका वर्षा इनलार्ज होगा, इट विल पुट प्रेशर ऑन द रीनल ट्यूब्यूल्स. रीनल किडनी में कोई ऐसा चीज नहीं है, लेकिन वर्षा के इनलार्जमेंट की वजह से ये रीनल ट्यूब्यूल्स को प्रेशर डालते हैं. ड्यू टू प्रेशर प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता, जो क्लोका में इसका फ्लो होना है रीनल ट्यूब्यूल्स का, इसके वजह से यूरिन डिपॉजिट्स हो जाते हैं किडनी में. उसके जो आप रीनल ट्यूब्यूल्स देखोगे तो आपको दिखेगा नेफ्रोसिस, वाइटिस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द यूरिक एसिड. तो बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है वर्षा में. मगर इंपॉर्टेंट बात है कि ये किडनी को डैमेज नहीं करता. जो चेंजेज होते हैं डेट इज ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ द वर्षा. किडनी में ऐसा इसका कोई पैथोजेनिक मैकेनिज्म नहीं है. और आप ये भी जानते हैं कि इन केस ऑफ आईबीडी देयर इज मस्कुलर हेमरेज, पार्टिकुलरली द थाई मसल्स और ये जो कील बोन के पास जो मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल मसल्स जो होते हैं, सबसे ज्यादा थाई मसल्स में, वहाँ पर बहुत मस्कुलर हेमरेज, लीनियर निकाइमोटिक हेमरेज दिखते हैं. ड्यू टू सम कोगुलोपैथी वहाँ पे हेमरेज दिखेगा. ठीक है, इसको याद रखिएगा. तो ससेप्टेबल वीक इज बिटवीन 3 to 6 weeks. जैसे मैं आपसे कह रहा था, मस्कुलर हेमरेज इन द थाई पेक्टोरल मसल्स. इसके अलावा इंटरनली, जब इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे, प्रोवेंटिकुलस में नहीं होता, गिजार्ड में भी नहीं होता, बट एट द जंक्शन ऑफ द प्रोवेंटिकुलस एंड गिजार्ड, इसको याद रखिएगा. ठीक है, कभी कभी जब पीएम करेंगे तो आपको दिखेगा एट द जंक्शन ऑफ प्रोवेंटिकुलस एंड गिजार्ड देर इज हेमरेज, मतलब एकाइमोटिक हेमरेज, बड़े बड़े हेमरेज होते हैं. तो डेट विल इंडिकेट आईबीडी. ठीक, और जो इंपॉर्टेंट है, चेंजेज इन द वर्षा है. तो इन द इनिशियल 3 to 5 days अब देखोगे वर्षा इनलार्ज हो जाते हैं, एडिमेटस हो जाते हैं, हेमरेजिक हो जाते हैं. बट इन लेटर स्टेज
अराउंड 5 to 8 days, अब देखो एट्रोपी होकर छोटे हो जाते हैं। इनिशियल स्टेज में बड़ा इनलार्ज होते हैं, उसके अंदर कैसेस मास होता है, उसके अंदर हेमरेजेस हो सकते हैं, बट इन लेटर स्टेज इज बिकम एट्रोफी। वर्षा कैसा होगा इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन। हेपेटोमेगेली एंड इन्फार्क्ट इन द लिवर, स्प्लेनोमेगेली, किडनी ट्यूब्स फॉर नेफ्रोसिस, व्हाइटिश अपीयरेंस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं रिगार्डिंग डायग्नोसिस। इम्यूनोपरोक्सिडेज स्टेनिंग, इम्यूनोफ्लोरोसेंस, ये इंपॉर्टेंट है, प्लस वायरस आइसोलेशन और इनोकुलेशन ऑफ वर्षा वायरस इन 10 टू 11 डेज ओल्ड इम्यूनेटेड चिक्स, उसे वायरस को आप आइसोलेट कर सकते हो। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। और इस डायग्राम में आप देखिए चेंजेज इन द वर्षा, ये वर्षा है तो स्पष्ट दिख रहा है लार्ज है एंड इट इज हेमरेजिंग, ठीक है। अब इसको खोल भी लेंगे तो यू कैन सी इनसाइड द वर्षा देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ क्लॉटेड ब्लड, हाईली इनलार्ज्ड जीजी मास प्लस ब्लड क्लॉट विल बी फाउंड इनसाइड द वर्षा, ठीक है। इसमें देखिए प्रोवेंट्रिकुलर एकदम नॉर्मल है, कोई चेंज नहीं है। गिजार्ड देखिए बिल्कुल नॉर्मल है, बट एट द जंक्शन ऑफ प्रोवेंट्रिकुलर एंड गिजार्ड देयर इज हेमरेजेस, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, ठीक है। प्लस मस्कुलर हेमरेजेस इस डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। थाई मसल्स में, एक्सटर्नल मसल्स में हेमरेजेस, तो इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स है आईवीडी का। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। सो इसका टू, इस वायरस के टू डिफरेंट सेव टाइप्स है, एक है न्यूमोटॉक्सिक है, एक है नेफ्रोटॉक्सिक। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अफेक्ट करता है, किडनी पर अफेक्ट करता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बार बार याद करना कि जो न्यूमोटॉक्सिक है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है वह है मसाकुसेट्स एंड कैनेटिक्यूट, इंपॉर्टेंट। और जो नेफ्रोटॉक्सिक है वो टी स्ट्रेन है, ग्रे स्ट्रेन है एंड हॉल्ट स्ट्रेन, ये पांच आपको नाम एकदम ही याद रखना है, ठीक है। एज सच नाम से ये लग रहा है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस की इफेक्ट करता होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेसिकली, मगर इसका अफेक्शन रेस्पिरेशन सिस्टम से भी है, किडनी से भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी है। इसीलिए इसको 3R, R+R+R यानी कि रेस्पिरेटरी, रीनल प्लस रिप्रोडक्टिव सिस्टम तीनों को ही इफेक्ट करता है। वेरी यंग चिक्स में इफेक्ट करता है बेसिकली, जो लाइटर ब्रीड्स होते हैं बर्ड्स में, और जो यंग होते हैं उसमें रेस्पिरेटरी फॉर्म देखने को मिलता है। जो हाइवियर बर्ड्स होते हैं और अंडर 10 weeks होते हैं उसमें आपको किडनी डैमेज दिखेगा। सबसे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इट स्प्रेड्स रैपिडली। इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस का स्प्रेड बहुत रैपिड है, इसका कोर्स ऑफ डिजीज ही बहुत छोटा है, इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 3 days का है। और रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट कि एक का क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों ही हैम्पर होता है, एक प्रोडक्शन कम हो जाएगा और जो प्रोडक्शन हो रहा है एक का उसका भी क्वालिटी बहुत बुरी तरह से हैम्पर होता है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। एक्सटर्नली क्या होगा कि एक स्मॉलर होंगे, एक सेल्स में आपको रिजल्ट दिखेंगे, कॉरुगेशन दिखेगा, लेकिन इंटरनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वाटरी एलोमी। इन केस ऑफ इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अंडा को एक कंटेनर में फोड़ दीजिए, इसका एलोमी बिल्कुल बिखर जाएगा पानी की तरह, जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होता है वैसा ना होकर बिल्कुल वाटरी हो जाता है, तो इंपॉर्टेंट टर्म वाटरी एलोमी। प्लस जो लेइंग बर्ड्स है उसका इनिशियल स्टेज में अगर उस बर्ड को इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस हुआ होगा तो एट द एज ऑफ लेइंग बर्ड आप देखोगे तो उसका प्रॉपर डेवलपमेंट अब अभी तक नहीं होता। अब जब नहीं हो पाता तो अंडे तो बनते हैं लेकिन लेआउट नहीं होते, और लेआउट नहीं होता ऐसे कंडीशन में होते हैं ब्लाइंड लेयर्स। ये अंडे फाइनली कहाँ जाएंगे, पेरिटोनियल कैविटी में जाएंगे एंड इट विल लीड टू ए पेरिटोनाइटिस और डेथ हो जाएगा। सो ये तीनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। एंड इन नेचुरली इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है तो चेंजेस रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिखेंगे, वो रिक्वायर्ड चेंजेज होंगे, कैजेटिव चेंजेज होंगे, मगर हेमरेजेस यूजुअली नहीं दिखता, ठीक है। एंड ये ऑलमोस्ट पैथोग्नोमिक है, जो यंगर बहुत यंग एज के जो चिक्स होंगे जिसे मॉर्टलिटी होगा उसका जहाँ पे ट्रेकियाई बाइफर्केट करता है, एट द पॉइंट ऑफ बाइफर्केशन ऑफ द ट्रेकिया इनटू टू ब्रोंकाई वहाँ पे आप देखोगे कैजेस प्लग, ठीक है, कैजेशन हो जाता है, म्यूकस प्लग फॉर्मेशन हो जाता है। अब ट्रेकिया के उसी पॉइंट पे आपने प्लगिंग कर दिया तो ना लेफ्ट लंग काम करेगा ना राइट लंग काम करेगा, इसका मतलब सीवियर डिस्पिनिया होगा और ओपन माउथ ब्रीदिंग, पम्प हैंडल ब्रीदिंग और डेथ भी हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट अदर बैक्टीरिया का इसमें एयर साइकुलाइटिस हो जाएंगे, वो क्लाउडी और ऑपेक नजर आते हैं। एंड ये मैंने आपको बताया कि ओविडक्ट प्लस ओवरी सभी अफेक्टेड होंगे, वाटरी एलोमी सबसे इंपॉर्टेंट है।
इसमें तो बेसिकली अफेक्शन ही है किडनी का, आईबीडी मैंने कहा सेकेंडरी चेंज है, इसमें तो प्राइमरी चेंज है किडनी का, तो सीवियर चेंजेस दिखेंगे, सीवियर नेफ्रोटिक चेंज और उसके बाद कुछ डायग्राम देखो थोड़ा सा क्लियर हो गया इन दिस डायग्राम, ये जो नीचे पहला डायग्राम है इसमें आप देखो किडनी इट विल अपीयर स्वेलन एंड पेल, पेल क्या है दैट विल अपीयर वाइटिस बेसिकली है ना, तो बिल्कुल वाइटिस अपीयरेंस आता है ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द यूनिट्स। और इस डायग्राम में आप ये देख रहे हैं जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट है वो एट्रोफिड हो गए और ओवेरियन फॉलिकल्स जो है वो मिससेप्ट हो गए, मिससेपेन ओवेरियन फॉलिकल्स एंड एट्रोफिक ओविडक्ट, ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। प्लस ट्रैकियल कंजेशन, हेमरेजेस नहीं होंगे, रिक्वायर्ड डिजनेशन हो सकता है, कंजेशन हो सकता है, बट यूजली हेमरेजेस नहीं दिखते इन केस ऑफ इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। तो टाइम कम है, आपका क्लास भी है सेकेंडरी वालों का, एक दो डिजीज और मेडियल कर लो। नेक्स्ट इज फाउल पॉक्स, तो उसका जो वायरस है आप जानते हो लार्जेस्ट नोन वायरस है, उसको हम लोग यूज भी करते हैं फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए जानते हैं, सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये डीएनए वायरस होते हुए भी रेप्लिकेट करता है इन साइटोप्लाज्म। जो यूजुअल कंसेप्ट है कि डीएनए वायरसेस न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करेंगे, मगर साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करता है और इसीलिए इसका इंक्लूजन बॉडी साइटोप्लाज्म में ही बनते हैं, न्यूक्लियस में नहीं बनता, ठीक है। और इसके इंक्लूजन बॉडी को हम लोग बोलते हैं बोलिंगर बॉडीज, और ये जो रेप्लिकेशन जो वायरस बनता है कंप्लीट वीरियंस है उसको हम लोग बोलते हैं बोरल बॉडीज या बोरल ग्रेन्यूल्स। और ये बोरल ग्रेन्यूल्स इनसाइड द इंक्लूजन बॉडी भी देखा जा सकता है, इंक्लूजन बॉडीज हैं बोलिंगर बॉडीज और वीरियंस है बोरल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। प्लस इंपॉर्टेंट है कि अनलेस देयर इज सम इंजरी इन द स्किन वायरस कैन नॉट पेनिट्रेट, तो स्किन से ही पेनिट्रेशन होता है। प्लस इंसेक्ट कैन ऑल्सो लीड टू इन्फेक्शन, बाइटिंग इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली मॉस्किटोज। और सेल टू सेल प्रोलिफरेशन होता है वायरस का, वायरस सेल का लाइसिस हो, वायरस लिबरेट हो, नया सेल में जाए, वैसे भी होते हैं लेकिन यूजुअली सेल टू सेल प्रोलिफरेशन हो जाता है। सेल नहीं भी टूटे कोई जरूरी नहीं है सेल का टूटना, वन सेल टू अनदर सेल वायरस मूव कर जाते हैं। और ये आप जानते हैं एपिथेलियल ट्रॉफी है, पॉक्स के सारे लेजर्स कहाँ मिलते हैं स्किन में ही मिलते हैं, एपिथेलियल सेल्स का है, एपिथेलियल ट्रॉफी है। तो इसके तीन फॉर्म है बेसिकली, एक क्यूटेनियस फॉर्म है जिसको हम ड्राई पॉक्सी बोलते हैं। तो इन स्किन यू कैन सी नोड्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, कहाँ पे जहाँ फीदरलेस पार्ट होता है, जहाँ फीदर नहीं होता है वहाँ पे नोड्यूल्स दिखेगा, प्रोलिफ्रेशन कॉज करता है, ठीक है। इस वायरस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इट लीड्स टू प्रोलिफ्रेशन ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, तो अगर लाइसिस ही हो जाता है प्रोलिफ्रेशन नहीं होता, तो लाइसिस कम लेकिन प्रोलिफ्रेशन ज़्यादा होता है, इसीलिए सेल टू सेल मूवमेंट कर जाता है। और ये जो नोड्यूल्स बनेंगे उसका स्टेज कैसा होता है, पेप्यूल मतलब डार्क रेड रेड हो जाना, थोड़ा सा हार्ड हो जाना एरिया, उसके बाद वेसिकल्स हो जाए, नोड्यूल फॉर्मेशन होगा, फिर वेसिकल्स होंगे, उसके अंदर फ्लूड डिपोजिशन हो जाएगा, फिर पस भी हो सकता है, वो फाइनली ड्राई हो जाते हैं विद इन 14 डेज और एज ए स्कैब स्कैब गिर जाते हैं, बॉडी में स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, एक डार्क सा रह जाता है जिसको स्कार बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिप्थेरेटिक फॉर्म और वेट पॉक्स, इन दिस केस आप जानते हैं फिब्रोनेक्रोटिक डिपोजिशन हो जाता है इनसाइड द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और अपर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है, नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है, चीजी येलोइश प्लेग डिपोजिशन हो जाता है, प्लेग ऐसा होता है कि आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, रिमूव करोगे तो वहाँ पे अल्सरेशन हो जाएगा, फॉर्मली एडहर्ड होते हैं उस एरिया से और येलो कलर के होते हैं, इसलिए आसानी से आप विदाउट पोस्टमार्टम भी आप इसको देख सकते हो भाई ओपनिंग ऑफ द विग। और ये इसी का एक्सटेंशन हो सकता है कि वो आई तक पहुँच जाए, जब आई तक पहुंच जाता है तो आई में कोई डैमेज नहीं होता कि अंधा हो जाए, लेकिन ड्यू टू सीवियर ऑकुलर डिस्चार्ज दोनों आईलिड सड़ जाते हैं, उसके सड़ जाने की वजह से बर्ड्स नहीं देख पाता, तो ब्लाइंडनेस हो जाता है और डेथ हो जाता है, लेकिन आई को एज सच कोई डैमेज नहीं करता। तो एक तीसरा फॉर्म है ऑकुलर फॉर्म, सबसे ज़्यादा मॉर्टलिटी किसमें होगा डिप्थेरेटिक फॉर्म में, उसके बाद ऑकुलर फॉर्म में और सबसे लेस मॉर्टलिटी क्यूटेनियस फॉर्म में, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा डिप्थेरेटिक फॉर्म, नेक्स्ट विल बी द ऑकुलर फॉर्म एंड लास्ट विल द क्यूटेनियस फॉर्म। तो मॉर्टलिटी होते हैं, आप ये भी जानते हो कि इसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है, एक बार बॉक्स से रिकवरी हो जाए तो इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है, ह्यूमन हो एनिमल्स हो बर्ड्स हो इम्यूनिटी डेवलप हो जाते हैं, एंड डैट इम्यूनिटी दोनों तरीके से होता है, सेल मीडिएटेड भी और ह्यूमरल इम्यूनिटी भी होता है, एंटीबॉडी और सेल दोनों इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप्स अर्लियर देन ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक
एंटीबॉडी बाद में पहले सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और रिगार्डिंग डायग्नोसिस एग इन्यूक्लेशन टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, इस एज पे करेंगे 9 to 12 डेज ओल्ड एम्ब्रियो पे करेंगे। अब जब एम्ब्रियो करेंगे तो कोरियोलेंटरिक मेम्ब्रेन पे आपको दिखेगा फॉक लाइक लेजन्स, तो डेवलपमेंट ऑफ फॉक लाइक लेजन्स फॉक्स कन्फर्म हो गया। ठीक है, 4 मिनट है मेरे पास, जब कट जाए तो समझिए कट जाएगा, फिर मैं रिज्वाइन नहीं करूँगा चूंकि उनका क्लास है, और जितना होगा सो होगा विद इन 4 मिनट्स। इस डायग्राम में आप देख सकते हो फॉक लेजन्स, तो कॉम में, वेटल्स में, नोडुलर फॉर्मेशन, फिट्स में, सैंक में, सभी जगह पर हो जाता है नोडल फॉर्मेशन। और इस डायग्राम में आप देख रहे हैं डिथ्राइटिक लेयर फॉर्मेशन इन द ट्रैकिया, इसमें बहुत थोड़े हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा डिथ्राइटिक लेयर फॉर्मेशन हो जाएगा, तो डेथ हो जाएगा। तो इट वॉज ऑल अबाउट बॉक्स। देखता हूँ, एक इन्फ्लुएंजा बात कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्लुएंजा। तो ऑर्थोमेक्सो वायरस से होता है ये, अब जानते हो इसके सरफेस पे स्पाइक्स होते हैं, जैसे कि पैरामेक्सो वायरस में होता है वैसे इसमें भी होता है। हीम एग्लुटिनिन होता है और न्यूरोड्यूटेज होता है। ठीक है, जो हीम एग्लुटिनिन है 15 टाइप्स के हो सकते हैं, उसी हिसाब से उसका नोमेनक्लेचर है, H1, H2, H3, वैसे 15 टाइप के हो सकते हैं। न्यूरोड्यूटेज जिसको N बोलते हैं वो 9 टाइप्स के होते हैं, N1, N2, N3। टाइम टू टाइम आप देखते हो कि एवियन इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक होता है, उसमें बोलते हैं ये वाला स्ट्रेन हो गया, H5 हो गया, N7 हो गया, उसका मतलब H5 मतलब हीम एग्लुटिनिन का 5 और न्यूरोड्यूटेज का 7, तो इस तरह से उसका हम लोग नोमेनक्लेचर देते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो मोस्ट AI वायरस H1 to 15 सब टाइप्स LP मैंने लो पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, मगर जो H5 और H7 है, यूजुअली आप देखोगे कि ये जो आउटब्रेक्स होते हैं उसमें H5 H7 का नाम होता है, तो मोस्ट ऑफ द एच स्ट्रेन क्या होते हैं वो लो पैथोजेनिक है, मगर H5 और H7 जो है वो हाईली पैथोजेनिक है। HP मतलब हाईली पैथोजेनिक फॉर चिकन्स, टर्कीज और डोमेस्टिक पोल्ट्री के लिए। ज़्यादातर केसेस में जो भी आउटब्रेक्स आप सुनोगे तो उसमें बोलेगा H5 या N7। तो यहाँ अभी तक आपको यही पता हो गया कि दो तरह के हैं स्ट्रेन बेसिकली, लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, एक होता है हाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। इसमें जो लो पैथोजेनिक है नेचुरली जो कंडीशन होगा बहुत सीवियर नहीं होगा, रेस्पिरेटरी साइंस होंगे और साइनसाइटिस होगा। ठीक है, मगर जो हाईली पैथोजेनिक है इसे मास मॉर्टेलिटी होता है, सीवियर सिस्टमिक डिजीज होगा, मास मॉर्टेलिटीज होंगे, और यही इंपॉर्टेंट है इसी का आउटब्रेक सुनते हो तो। और इम्पॉर्टेंट है गिनीज डायरिया इन केस ऑफ दोज बर्ड्स, सब में नहीं दिखता है, इन दोज बर्ड्स जहाँ जो सीवियरली अफेक्टेड होते हैं उसमें गिनीज डायरिया दिखने लगेगा। ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा में नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, CNS इन्वॉल्वमेंट है, लीडिंग टू टॉर्टिकोलिस, ऑफिस्थेटोनस एंड इनकोऑर्डिनेशन। रिगार्डिंग डायग्नोसिस एलेंटोइक सैक में इसको ग्रो करते हैं, अभी आपने ऊपर देखा है कोरियोलेंटोइक मेम्ब्रेन पे पॉलपॉक्स के वायरस को ग्रो करते हैं, लेकिन एलेंटोइक सैक है इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा। अब ये देखो, हीम एग्लुटिनेशन इज नॉट इनिबिटेड बाय न्यूक्लियर डिजीज। मैं जब आपको रानी खेत डिजीज का पढ़ा रहा था उसमें कहा था कि इसको याद रखिए, क्या है कि अब जब से आपको पूछे आपसे डिफ्रेंशिएशन बिटवीन न्यूकैसल एंड रानी ये एवियन इन्फ्लुएंजा, तो इसमें याद रखिएगा हीम एग्लुटिनेशन इज नॉट इनिबिटेड बाय न्यूक्लियर डिजीज, मगर इनिबिटेड बाय एवियन इन्फ्लुएंजा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, कोई भी पैरामिक्सो वायरस से हीम एग्लुटिनेशन इनहिबिशन नहीं होता है, मगर होता है इन केस ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमेक्सो वायरस। ठीक है, ह्यूमन में रिगार्डिंग ह्यूमन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, लेकिन एक मैसेज है कि ह्यूमन इन्फेक्शन हो सकता है बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मगर जो कुक करके खाएं, प्रॉपर कुकिंग करके आप पोल्ट्री मीट खाते हैं तो एवियन इन्फ्लुएंजा का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, जैसे एक आउटब्रेक हुआ था ये H5N1, ये मैंने इसे एग्जाम्पल पुट किया है ये दिखाने को आपको कि H5 और H7 ये इंपॉर्टेंट है किसी भी आउटब्रेक। तो इसी समय में 2004 में H5 स्ट्रेन से मास मॉर्टेलिटी हुआ।